हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है सिंपल तरीके से मिर्ची का अचार डालना। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से मिर्ची का अचार डालना। हरी मिर्ची का अचार बनाने के लिए ये हमने हरी मिर्च ली हैं, ये मोटी हरी मिर्च ली हैं। इनको हमने अच्छे से धो लिया है और सुखा लिया है और इसके मैंने दो चीर कर लिए हैं। अब मैं इसको भी चीर के दिखा देती हूँ। इस प्रकार से हमने इसके दो टुकड़े कर लिए हैं, बीचों बीच में से डंडियाँ हटा दी हैं। बिल्कुल सिंपल। और ये हमने एक कटोरी सरसों का तेल लिया है, इसको हमने पका लिया था तेल को। और दो चम्मच के आसपास हमने नमक लिया है, एक चम्मच हल्दी ली है, दो चम्मच हमने राई ली है और दो चम्मच हमने सौंफ ली है। तो आइए बनाते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से अचार। सौंफ और इसको राई को हम मिक्सी जार में डाल लेंगे और साथ ही मैं इसमें नमक भी डाल दूंगी जिससे कि ये जल्दी पीस कर तैयार हो जाएगा। ये हमने मसाले को पीस लिया है, मसाले को हमने दरदरा ही रखा है, ज्यादा मोटा नहीं किया है। अब मैं इस मसाले को इसके अंदर डाल दूंगी। मसाले को थोड़ा मोटा ही रखना है। साथ ही मैं इसमें ये हल्दी भी डाल दूंगी और इसे मिक्स करूंगी हाथ से। हाथ बिल्कुल सूखे होने चाहिए, गीले नहीं होने चाहिए हाथ। और इसे मैं एक डब्बे में भर लूंगी, मैं इस डब्बे में भर लूंगी इसको। बिल्कुल सूखा ही डब्बा लेना है आपको। और इसको मैंने सारे ही मसाले समेत डब्बे में डाल दिया है। ये हमने सारी मिर्च डब्बे के अंदर डाल दी है। डब्बा को एक बार बंद कर लेंगे और हिला देंगे अच्छे से जिससे कि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं इसको डब्बे को खोलूंगी। अब मैं इसके अंदर ये ऑयल डालूंगी। ये मैंने इसमें एक कटोरी ऑयल डाल दिया है और इसे मैं फिर से बंद करूंगी और इसे फिर से हिलाऊंगी इसी प्रकार से। और अब मैं इस डब्बे को खोलूंगी और ये देखो कितने अच्छे से हमारा मसाला मिक्स हुआ है और ये हमारा अचार बनकर तैयार हो चुका है। और इसे हम 2 से 3 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जल्दी ही पककर तैयार हो जाता है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।